दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि मिट्टी के मटके में पानी ठंडा कैसे होता है? नॉर्मली हम स्टील के बर्तन में पानी रखते हैं, लेकिन वही मिट्टी के मटके मड़कले से बनाए जाते हैं, जिसमें छोटे छोटे होल्स मौजूद होते हैं, जिससे मटके के पानी को मटका काफी हद तक सोख लेता है। और ये सोख किया गया पानी मटके के बाहरी तरफ आ जाता है। ये पानी रोशनी की वजह से इवेपोरेट होने लगता है, और जैसे जैसे पानी इवेपोरेट होता है वैसे पानी में मौजूद हीट भी कम हो जाता है, क्योंकि इवेपोरेशन के लिए हीट जरूरी होता है और वो हीट मटके में मौजूद पानी से निकाल लिया जाता है। और बाकी बचा हुआ पानी बिना हीट की वजह से ठंडा हो जाता है। और अगर आप नोटिस करोगे तो आपको समझेगा कि जितना पानी आप मटके में भरते हो वो धीरे धीरे कम हो जाता है, वो उसी की वजह से होता है। और दोस्तों, हम इंस्टाग्राम पर भी बहुत ही अमेजिंग कंटेंट और चैलेंजेस पोस्ट करते रहते हैं, तो हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर दीजिए। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन।